प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दो और यूनिट लगाने के लिए समझौता भी शामिल है। इन समझौतों के बाद पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से जुड़ा पुराना किस्सा सुनाया। योर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट पुतिन, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द रशियन एंड इंडियन डेलीगेशंस, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, राष्ट्रपति पुतिन के खूबसूरत होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में आना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और इसके साथ मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है कि मैं 2001 में अक्टूबर में पहली बार मुख्यमंत्री बना और उसके बाद एक ही महीने के भीतर भीतर उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ डेलीगेशन में मुझे आने का अवसर मिला। और मैं स्मरण करता हूँ कि आज जैसे मैं और राष्ट्रपति पुतिन पीछे खड़े थे, उस समय अटल जी और राष्ट्रपति पुतिन खड़े थे और मैं एक कुर्सी पर बैठ करके अष्टाखान राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था। आज 16 साल के बाद फिर एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आज शरीक होने का अवसर मिला है। हमारा ये और हमारे डेलीगेशन का यहाँ जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये हमारे संबंधों की मधुरता का एक प्रतीक है। गौरतलब है कि चार यूरोपीय देशों के दौरों पर निकले नरेंद्र मोदी बुधवार को रूस पहुंचे। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। वहीं दोनों देशों ने 5 बड़े मुद्दों पर संयुक्त हस्ताक्षर किए। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।